नमस्कार दोस्तों, टेक सीरियंस में आप सभी को फिर से स्वागत है। दोस्तों, वीडियो चालू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को एंड तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो जरूर से लाइक करें। चैनल में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबा दें और नोटिफिकेशन को ऑल में सिलेक्ट करके रखें, ताकि नया वीडियो अपलोड करते ही आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुँच सके। नमस्कार दोस्तों, आज मेरे पास एक मोटो कंपनी का G5 मोबाइल आया है, जिसमें ग्राफिक्स नहीं आ रहा है, बैक लाइट जल रहा है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आज मोटो G5 में जो ग्राफिक्स प्रॉब्लम आया है, इसको फिक्स करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों, यहां पे इसका कोड दिखा देता हूं, देख सकते हैं दोस्तों, XT1677 इसका कोड है, जो कि इसका मॉडल नंबर मोटो G5 मोबाइल है, और इसमें ग्राफिक्स इशू आया है, देख सकते हैं। इसको ऑन करके दिखाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन दोस्तों यहाँ पे मोबाइल तो ऑन हो रहा है, लेकिन इसमें ग्राफिक्स नहीं आने के कारण से बैकलाइट भी हमको दिखाई नहीं दे रहा है ये कैमरे पे। तो इसको दिखाने की कोशिश करता हूँ, बार बार मैं ऑन करने की दिखाने की कोशिश करता हूँ, किसी भी एंगल से थोड़ा सा भी हमको नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि दोस्तों इसमें ग्राफिक्स नहीं आने के कारण से बैकलाइट बहुत ही कम दिखाई दे रहा है, जो कि खाली आँख में देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे मैं और अच्छे से अंधेरा करके दिखाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन फिर भी ये कैमरे पे दिखाई नहीं दे रहा है। तो चलिए दोस्तों, इसको रिपेयर करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं। देख सकते हैं दोस्तों, अभी यहाँ पे थोड़ा हल्का फुल्का यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो इसको और अच्छे से थोड़ा दिखाने की कोशिश करता हूँ, देख सकते हैं यहाँ पे मोबाइल को मैं पास ले आता हूँ, देख सकते हैं दोस्तों, एंगल चेंज करने के बाद यहाँ पे थोड़ा हमको हल्का फुल्का इसका बैकलाइट दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मोटो G5 में जो नो ग्राफिक्स का प्रॉब्लम आया है, इसको फिक्स करेंगे। कैसे करना है ये वीडियो में एंड तक बने रहें, पूरा डिटेल में बताने की कोशिश करूंगा और दिखाऊंगा इसको प्रैक्टिकल करके कैसे फिक्स करना है। तो चलिए दोस्तों, मोटो G5 में जो नो ग्राफिक्स का प्रॉब्लम आया है, इसको फिक्स करते हैं और इसमें क्या इशू आने के कारण से इसमें नो ग्राफिक्स का इशू आया है, नो ग्राफिक्स का फॉल्ट आया है, इसको फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ, सबसे पहले इसमें डिस्प्ले LCD चेंज करके मैं देख लिया हूँ, लेकिन नया डिस्प्ले लगाने के बाद भी इसमें ग्राफिक्स नहीं आ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे मदरबोर्ड से ये प्रॉब्लम आया है, और कहाँ से प्रॉब्लम आने के कारण से इसमें ग्राफिक्स नहीं आ रहा है, इसको खोजेंगे, देखेंगे कहाँ पे प्रॉब्लम आया है, कहाँ पे फॉल्ट है, और इसको खोज के इसको फिक्स करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए सीधा माइक्रोस्कोप में देखते हैं इसमें वाटर डैमेज हुआ है या फिर ये बोर्ड फ्रेश है। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं, माइक्रोस्कोप से आपको दिखाता हूँ, देख सकते हैं दोस्तों बिल्कुल बोर्ड पूरा फ्रेशर बोर्ड है, और बिल्कुल कहीं पे भी वाटर डैमेज या फिर लिक्विड डैमेज का इशू नहीं आया है। तो ये जार्किंग के कारण से हो सकता है, या फिर और कुछ प्रॉब्लम इसमें आने के कारण से इसमें ग्राफिक्स नहीं आ रहा है। तो इसको खोजने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे डिस्प्ले कनेक्टर देख सकते हैं, बिल्कुल बढ़िया दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे आपको मैं बताना चाहता हूँ, ये मोबाइल को रिपेयर करने से पहले एक बार स्कीमेटिक डायग्राम के हेल्प लेते हैं, कहाँ कहाँ कौन कौन सिग्नल जा रहा है इसको एक बार देख लेते हैं, जो कि प्रैक्टिकली हम लोग ट्रेस करेंगे इसको, और भी हमको कम समय में ये ट्रेस कर सकते हैं, कम समय में हम फॉल्ट को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, ये डिस्प्ले कनेक्टर या फिर LCD कनेक्टर में जो कोई भी सिग्नल आ रहा है, बिल्कुल याद रखना होगा, या फिर स्कीमेटिक डायग्राम देख के हम लोग इसको ट्रेस करने की कोशिश करेंगे और इसको फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो LCD कनेक्टर पे जितना भी सिग्नल आ रहा है, सबको एक एक करके चेक करना होगा। देख सकते हैं इधर 4-5 सिग्नल जा रहा है, और ये डायरेक्ट CPU से होके यहाँ पे LCD कनेक्टर पे आ रहा है, और PMI IC जो लगा है बाजू में, देख सकते हैं ये जो IC लगा है, ये PMI IC से सिग्नल भी आ रहा है। कौन कौन सा सिग्नल मिसिंग होने के कारण से, या फिर कौन सा सिग्नल मिसिंग हो गया है ये बोर्ड पे, इसको फाइंड आउट करना होगा, जो कि हम इसको फाइंड आउट, जब तक ये फाइंड आउट नहीं होगा तब तक ये फॉल्ट रिपेयर नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों ये स्कीमेटिक देखना ज़रूरी है, स्कीमेटिक डायग्राम हेल्प लेंगे तो बहुत ही आसान तरीके से ये फॉल्ट को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए सीधे आपको मैं प्रैक्टिकली आपको करके दिखाता हूँ कि इसमें क्या प्रॉब्लम आया है, जिस वजह से इसमें ग्राफिक्स का इशू आया है मोटो G5 में। तो यहाँ पे सबसे पहले डिस्प्ले कनेक्टर पे ट्रेसिंग करते हैं, कहाँ पे कितना कंटिन्यूटी मिल रहा है, यहाँ से हमको पता चलेगा कौन सा लाइन मिसिंग हो गया है। देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे कंटिन्यूटी मिल रहा है, जहाँ जहाँ भी मैं चेक करने की कोशिश कर रहा हूँ, बिल्कुल सही से सिग्नल आ रहा है। अभी तक एक एक करके सब पिनों को चेक करना होगा, सारे पिनों को चेक करेंगे, कहीं ना कहीं ये पॉइंट मिसिंग होगा या फिर शॉर्टिंग होगा। तो इसको फाइंड आउट करते हैं कहाँ पे प्रॉब्लम आया है, कौन सा लाइन में प्रॉब्लम आने के कारण से इसमें नो ग्राफिक्स का इशू आया है, जो कि आपके स्क्रीन में देख सकते हैं। एक एक पिन को मैं ट्रेस कर रहा हूँ और यहाँ पे कंटिन्यूटी ले रहा हूँ, देख सकते हैं
कहीं ना कहीं शॉर्टिंग होगा या फिर कहीं ना कहीं ये लाइन मिसिंग के कारण से इसमें नो ग्राफिक्स का इशू आया है, जो कि आपके स्क्रीन में देख सकते हैं। मैं इसको एक एक पिनों को मैं ट्रेस कर रहा हूँ। जब तक इसको ट्रेस नहीं करेंगे हमको ये फॉल्ट फाइंड आउट नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं ये पिन पे कोई भी कंटिन्यूटी नहीं मिल रहा है, और यही पिन से ये फॉल्ट होने के कारण से ग्राफिक्स का इशू आ सकता है। तो दोस्तों इसमें स्कीमेटिक डायग्राम को फिर से एक बार देख लेते हैं, आपके स्क्रीन में देख सकते हैं। इसको मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो आपके स्क्रीन में देख सकते हैं दोस्तों 17 नंबर पिन पे, ये जो पिन मैं चेक कर रहा हूँ ये 17 नंबर पिन है, और आपके स्क्रीन में देख सकते हैं ये लाइन मिसिंग है। देख सकते हैं यहाँ पे कुछ भी कंटिन्यूटी नहीं मिल रहा है, हालांकि यहाँ पे मीटर ठीक से टच नहीं हो पा रहा है। देख सकते हैं ये तीसरा नंबर पिन पे आ रहा है, हालांकि ये तीसरा नंबर नहीं है। तो ये जो लाइन मिसिंग है इसके कारण से इसमें नो ग्राफिक्स का इशू आ सकता है। तो इसको स्कीमेटिक डायग्राम से और एक बार कौन सा सिग्नल है इसको फाइंड आउट कर लेते हैं। ये देख सकते हैं दोस्तों आपके स्क्रीन में स्कीमेटिक डायग्राम फिर से आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये जो दो पिन दिखाई दे रहा है यही लाइन मिसिंग हो गया है, जो कि डिस्प्ले कनेक्टर पे कंटिन्यूटी नहीं मिल रहा था, और ये LCD VSN सिग्नल लाइन है जो कि मिसिंग हो गया है, या फिर इसका IC खराब हो सकता है। तो दोस्तों इसको फाइंड आउट करते हैं और यहाँ पर एक बार प्रैक्टिकल करके इसमें ट्रेस करते हैं कि यहाँ पर कंटिन्यूटी मिल रहा है या फिर नहीं मिल रहा है। यहाँ पे अगर कंटिन्यूटी मिल रहा होगा तो हमको पता चल जाएगा कि लाइन मिसिंग है, या फिर यहाँ पे कंटिन्यूटी नहीं मिल रहा है तो ये IC खराब हो सकता है। देख सकते हैं दोस्तों आपके स्क्रीन में मीटर से मैं ट्रेस कर रहा हूँ, यहाँ पे कुछ भी कंटिन्यूटी या फिर कुछ भी रीडिंग यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। तो यहाँ से हमको पता चल गया कि ये जो PMI IC लगा है 8952, ये IC खराब हो सकता है या फिर ये IC ड्राई हो सकता है। तो इसको कैसे चेक करेंगे? तो दोस्तों ये IC को चेंज करना होगा, दूसरा IC को एक लगा के देखना होगा कि ये IC खराब होने के कारण से इसमें ग्राफिक्स नहीं आ रहा है, या फिर इसका लाइन मिसिंग है, या फिर ये IC जो बॉल या फिर जो पैड लगा है नीचे से ड्राई हो गया है। तो चलिए दोस्तों इसका IC को रिप्लेस करते हैं और देखते हैं दूसरा IC लगा के इसमें जो नो ग्राफिक्स का प्रॉब्लम आया था ये फिक्स हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। देख सकते हैं PMI 8952 यहाँ पे लगा है, और इसको चेंज करके देखते हैं। जब तक इसका ये IC को रिप्लेस नहीं करेंगे या फिर चेंज नहीं करेंगे हम कंफर्म नहीं बता पाएंगे कि इसमें IC के चलते ये ग्राफिक्स प्रॉब्लम आया है, या फिर इसका लाइन मिसिंग है, या फिर इसमें ड्राई हो गया है। तो चलिए दोस्तों इसका IC को चेंज करते हैं, जो कि PMI 8952 यहाँ पे लगा है, ये IC को रिप्लेस करके देखते हैं ये IC खराब होने के कारण से इसमें नो ग्राफिक्स का प्रॉब्लम आया था या फिर और कुछ प्रॉब्लम है, इसको खोजेंगे। लेकिन दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे कंटिन्यूटी नहीं मिल रहा था तो ये IC को रिप्लेस करना होगा, क्योंकि यहाँ पे और ये लाइन में कुछ भी नहीं लगा है, खाली जस्ट ये लाइन से डायरेक्ट ही डिस्प्ले कनेक्टर पे ये पहुँच रहा है LCD VSN सिग्नल, जो कि ये IC रिप्लेस करने के बाद हम कंफर्म पता चलेगा कि IC के चलते इसमें ग्राफिक्स का इशू आया है या फिर और कुछ इसमें प्रॉब्लम है, इसको चेंज करने के बाद कंफर्म पता चलेगा। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं IC को मैं रिप्लेस कर चुका हूँ और यहाँ पे अभी कंटिन्यूटी आना चालू हो गया है। तो इसका मतलब ये IC खराब हो जाने के कारण से इसमें ग्राफिक्स का इशू आया था, जो कि अभी ये रीडिंग आ रहा है, इसका मतलब ये लाइन क्लियर हो गया है। और यहाँ पर जो पहले रीडिंग नहीं आ रहा था यहाँ पर चेक कर लेते हैं। देख सकते हैं दोस्तों यहाँ से ये 4 नंबर पिन में पहले रीडिंग नहीं आ रहा था, और ये रेजिस्टेंस में भी रीडिंग नहीं आ रहा था, अभी यहाँ पे रीडिंग आना शुरू हो गया है, चालू हो गया है। तो ये लाइन कनेक्ट हो गया है IC से, जो कि LCD VSN सिग्नल नहीं मिल रहा था, और यहाँ पे अभी VSN सिग्नल मिल रहा है। तो चलिए इसको फुल फ्रेम में फिटिंग करते हैं और देखते हैं इसमें जो ग्राफिक्स का इशू आया था सॉल्व हो गया या फिर नहीं हुआ। तो चलिए दोस्तों इसको ऑन करके देखते हैं ये ग्राफिक्स जो प्रॉब्लम आया था इसमें सॉल्व हुआ या फिर नहीं हुआ। देख सकते हैं दोस्तों आपके स्क्रीन में मोटो लोगो आ गया है, इसका M का लोगो आ गया है, इसका मतलब इसमें ग्राफिक्स आ गया है। तो दोस्तों ये वीडियो में आपको मैं बताया मोटो G5 में अगर ग्राफिक्स प्रॉब्लम आया तो कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कैसे फिक्स कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताएं। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको जरूर से पसंद आया होगा। पसंद आए तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके घंटी को दबा दें, नोटिफिकेशन को ऑल में सेलेक्ट करके छोड़ दें, ताकि सोमवार बुधवार और शुक्रवार को शाम के 6 बजे वीडियो में अपलोड करता हूँ और आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं और किसी वीडियो में और किसी टॉपिक में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।